हेलन, हाउ आर यू? फाइन, ओके बेटा, बढ़िया। अभी देखो, आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, ठीक है? पाठ दो, कक्षा दो का पाठ दो, ठीक है? चतुर बालक, क्या नाम है? चतुर बालक जो अपनी चालाकी से अपनी समस्या का किस तरह से निदान करता है अपनी माँ की किस तरह से सहायता करता है, तो वह है चतुर होता है बालक जो अपनी समस्या से बाहर निकलता है, ठीक है? अपनी माँ को समस्या से बाहर किस प्रकार निकालता है, वह सब इस पाठ में बताया गया है। अभी देखो, इसमें कुछ शब्द रखे हैं, चतुराई और समझदारी। चतुराई और समझदारी से क्या होता है, व्यक्ति अपनी समस्या से किस तरह से बाहर निकलता है, इसका उपयोग करके, यह है इस पाठ में बताया गया है। किसी नगर में एक सेठ रहता था, उसका नाम धनीराम था। एक सेठ था जिसका नाम क्या था? धनीराम। देखो चित्र में दिखाया गया है ना, इसी प्रकार। और लेकिन वह क्या था? चालाक था। क्या था? बहुत चालाक था। एक बार एक बूढ़ी औरत सेठ के पास पहुंची और उसके हाथ में गहनों का डिब्बा था। उसने सेठ से कहा, सेठ, मैं कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जा रही हूँ, आप तब तक गहने का यह डिब्बा आप रख लीजिए अपने पास, है ना, मैं वापस आकर इसे ले लूँगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बाहर जाता है अपनी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए, वह किसी सेठ या किसी ऐसे व्यक्ति के पास दे जाए जहाँ पर उसे लगता है कि वह सुरक्षित रहेगा, तो इसीलिए वह बूढ़ी औरत ने उस सेठ को गहनों का डिब्बा लाकर दे दिया। सेठ ने गहनों का डिब्बा रख लिया और बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई, ठीक है? कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत वापस लौटी, वह सेठ के पास पहुँची। उन्होंने सेठ से अपने गहनों का डिब्बा मांगा। सेठ ने क्या कहा? कौन सा डिब्बा? मेरे पास तुम्हारा कोई गहनों का डिब्बा नहीं है, चुपचाप अपने घर चली जाओ, ऐसा सेठ ने कहा। तब वह सुनकर क्या हुआ? बूढ़ी औरत रोने लगी। सीधी सी बात है बेटा, अगर हमारी भी कोई चीज़ इस तरह से कोई रख लेगा और हम उसको, मान लो हम रखवा दें कुछ दिनों के लिए और हम उसको वो चीज़ मांगे और वह नहीं दे, तो हमको भी रोना आएगा, है ना। इसी तरह से उसने रोते हुए सेठ से कहा, सेठ, भगवान से डरो, व्यक्ति को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को दुखी करे, क्योंकि व्यक्ति तो एक बार सहन कर लेता है बेटा, देखता कौन है? ऊपर वाला, यानी कि भगवान। इन चीज़ों को सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी नहीं छुपता है। कुछ दिन पहले मैं आपको अपने गहने देकर गई थी, ऐसा किसने कहा? बूढ़ी औरत ने, ठीक है? आप कह रहे हो कि मेरे गहने आपके पास नहीं हैं। बूढ़ी औरत रोते रोते वापस लौट गई, ऐसा उसने कह दिया। अभी बूढ़ी औरत ने भी, आप कह रहे हो कि गहने आपके पास नहीं है, बेचारी रोते रोते वापस आ गई। सेठ अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। सेठ सोचा, मैं कितना चालाक हूँ जो मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया और उसके गहने अपने पास रख लिए। जब बूढ़ी औरत अपने घर पहुंची, वहां उसका बेटा लकड़ी काट रहा था। देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना, बेटा लकड़ी काट रहा है, उसका बेटा था, वह लकड़ी काट रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को सेठ के बारे में बताया। बूढ़ी औरत का बेटा बहुत समझदार था, वह उस चीज़ को देखकर घबराया नहीं। वह क्या था? क्योंकि वह बहुत समझदार था, उसने अपनी समस्या, देखो क्या किया, उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा और बूढ़ी औरत ने सहमति देते हुए सिर हिला दिया, यानी कि जो उसने कहा ना उसके बेटे ने, तो उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसने जो कुछ भी करने के लिए कहा होगा तो उसने उसको मानते हुए सिर हिला दिया, ठीक है? अभी देखिए, आप यहाँ चित्र में दिख रहा है आपको। अगले दिन वही लड़का गहनों का एक बहुत बड़ा डिब्बा लेकर सेठ के पास पहुंचा। बहुत बड़ा डिब्बा, जो उस बेटे के जो गहने थे, मतलब उसके परिवार के जो भी गहने थे, वह लेकर वह सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने उसे देखा, उसे लगा कि आज फिर कोई बकरा फंसा है। उसने सोचा कि आज फिर मज़ा आएगा, मैं इसके भी गहने इसी तरह से चालाकी से रख लूँगा, उसने सोचा। किसने? सेठ ने। लड़के ने सेठ से कहा, सेठ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, कृपया आप मेरे इन गहनों को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही शब्द उसने सेठ से कहे जैसे उसकी माँ ने उससे सेठ से कहे थे, है ना, कहीं जाने से पहले, तो मैं कुछ दिनों के बाद आकर इन्हें ले जाऊँगा। क्या कहा? कुछ दिनों के बाद, देखो कुछ दिनों के बाद आकर ले जाऊँगा, ऐसे ही शब्द कहे थे ना उसकी माँ ने भी। सेठ ने डिब्बा खोला तो देखा उसमें, क्या देखा? देखा उसमें ढेर सारे गहने थे। सेठ ने खोल के देखा, उसे बड़ा लालच पैदा हो गया ढेर सारे गहने देखकर, उसका लालच बढ़ गया। तभी उससे वहाँ बूढ़ी औरत आती दिखी। हाँ, सेठ ने बूढ़ी औरत को देखा तो सोचा कि यदि इस बूढ़ी औरत ने अपने गहने मांगे तो यह लड़का
भी अपने उसी समय क्या हुआ, वह बूढ़ी औरत उसको वहाँ आती दिखी। कहाँ पर? सेठ की दुकान पर। ठीक है, सेठ ने बूढ़ी औरत को देखा, आते देखा तो सोचा कि यदि इस बूढ़ी औरत ने अपने गहने मांगे तो यह लड़का भी अपने गहने मुझे नहीं देगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपना कुछ सामान रखने जा रहा, अचानक ही कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए जिसके उसने चीज़ें हड़प ली हैं, है ना, उन पर कब्ज़ा कर लिया हो या फिर कुछ लेने के लिए आया, तो वो सोचेगा अरे ये चीज़ मेरे पास रखवा रहा है, अगर मैं वो इसके सामने ऐसा मुझे कुछ कहेगा या मांगेगा तो ये मेरा मेरे को ये गहने रखने ही नहीं देगा ना, ऐसा उसने सेठ ने सोचा। तो उसने क्या किया, गहनों का डिब्बा, हाँ, उसके आते ही सेठ ने कहा, बहन तुम्हारे गहने मिल गए हैं। क्या कहा? तुम्हारे गहने मिल गए हैं, इन्हें ले जाओ। सेठ ने गहनों का डिब्बा बूढ़ी औरत को दे दिया। देखो, है ना, यह देखकर बूढ़ी औरत को उसने दे दिया और बड़े प्यार से बोला, बहन तुम्हारा गहने का डिब्बा मिल गया है, तुम इसे ले जाओ। बूढ़ी औरत अपना डिब्बा लेकर घर चली गई। तभी उसके लड़के ने अपने गहनों का डिब्बा उठा लिया। जैसे ही उसकी माँ को गहनों का डिब्बा मिल गया, वैसे ही लड़के ने अपने गहनों का डिब्बा उठा लिया और बोला, सेठ अब मेरा मन बदल गया है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। इतना कहकर वह भी चला गया और सेठ हाथ मलता रह गया, क्योंकि उसके गहने उसके हाथ ही नहीं लगे और जो बुढ़िया के गहने थे बूढ़ी माँ के, तो वो भी उसके हाथ से निकल गए, इसलिए वह हाथ मलता रह गया। अब देखो बेटे ने किस प्रकार चालाकी दिखाई, मतलब ना कोई मारपीट ना कुछ, अपनी समझदारी से उसने बड़े ही सहज भाव से अपने माँ की चीज़ें भी निकलवा ली और अपना भी सामान लेके आराम से चला गया। और उसको किसको, सेठ को सबक भी सिखा दिया, है ना, और सेठ हाथ मलता रह गया लालच से। तो ये बेटा आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका। हमने देखो इससे क्या सीखा, सीख देखो, हमने सीखा लालच और ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ठीक नहीं होती है। देखो चालाकी होनी चाहिए, लेकिन लालच और ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि हमें किसी भी चीज़ को अत्यधिक प्राप्त करने का लालच नहीं होना चाहिए, और जितनी हमारी ज़रूरत है हमें उतनी ही आस रखनी चाहिए। अगर हम किसी की चीज़ें हड़पेंगे तो हमें भी तो फल मिलेगा उस चीज़ का, है ना, वह सही नहीं होगा। अब देखिए बेटा आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसमें शब्दार्थ दे रखे हैं, इतनी अच्छे से दे रखे हैं ना इसको, बिल्कुल कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में, शब्दों में, लेख में आपको यह लिखना है, बिल्कुल ऐसे की ऐसे हेडिंग डाल के, है ना, लिखा हुआ है ना शब्दार्थ, क्या लिखा हुआ है ये देखो, शब्दार्थ है ना, ये करना है। और उसके बाद ये जो है ना शब्दार्थ, यह भी जाने, इनको भी लिख लेना बेटा। और ये देखो कठिन शब्द, ये आपको दो दो बार लिखने हैं कॉपी में, ये आपको करने हैं, ओके। बाकी मैं PDF के जरिए भेज दूंगी आपके प्रश्न उत्तरों के, है ना, ठीक है, ओके बाय।